नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज के ब्लॉग में मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूं जिनको कि आपने कई बार फेसबुक पे और जो है यूट्यूब पे कई माध्यमों से देखा है। उन लोगों के वीडियो में कहीं इधर उधर दिखते हैं और बहुत ही हंसमुख, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जो है मतलब गांव के हर कार्य में जो है लग्न रहते हैं, जो भी आप कह सकते हो। और इस टाइम पे उनकी उम्र होगी कम से कम 70 ईयर के लगभग। तो मैं आपसे ज़्यादा ना बोल के डायरेक्ट उन्हीं से मिलाता हूँ। तो ये देखिए, ये हैं हमारे बड़े भाई साहब बासवनन जी। तो इनको आपने कई वीडियो में देखा होगा डांस करते हुए, लोगों के चेहरों पे हंसी लाते हुए। लेकिन इसके पीछे इनकी कहानी क्या है, कैसे हैं, किस तरह से इन्होंने मतलब अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो सर्वप्रथम तो भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जीवन यापन कैसा चल रहा है फिलहाल? भाई यहाँ पर तक तो भगवान की दया से ठीक ही चल रहा है, क्योंकि आज जितने ठोकर मैंने खाए हैं पहले ही से वो मैं ही जानता हूँ। मैं देश प्रदेश भी गया, नौकरी करी, कहीं भी मेरा मन नहीं लगा। आखिरी मेरा मन घर ही में लगा। बैल लाया छोटे छोटे, उनको सिखाया, फिर हल भी लगाया और अपनी खेती बाड़ी भी संभाली और वृत्ति भी संभाली। और उसी वृत्ति में मैंने अपने बाल बच्चों को पाला पोसा भी है और पढ़ाई भी करी और उनकी शादी भी करी। अभी एक लड़का और एक लड़की रह रखी है। लड़का मेरा दिल्ली है, लड़की मेरी यहीं घर में है, पावो बैंक में है, अभी ज्वाइंट किया उसने। और घरवाली भी मेरी भोजन माता है बड़े स्कूल में, ग्राम ग्वालघड़े में। और मैं कभी कभी रहता हूँ घर में, ज़्यादा मैं बाहर ही रहता हूँ, कभी भागवतों में, कभी ब्याह शादियों में। और वहाँ लोग वीडियो लगाते हैं और मैं नाचने बैठ जाता हूँ, खुश रहता हूँ। जिससे हमने किसी को तू ता रे बे बोलना है, उससे बढ़िया अपना नाचते रहो और अपने मस्त रहो। तो मतलब लोगों का एंजॉय भी करना और इतना काम करना, गांव में कभी भी खाना वगैरह बनना, हाँ। हल्का लगाना, आप अपनी इस लाइफ से पूरा खुश हैं कि किस कोई शिकायत है आपको? मैं खुश हूँ और ना मुझ पर अभी कोई बीमारी है और ना ही कोई तकलीफ है। अच्छा, तो एक्चुअल में इस टाइम पे आपकी एज क्या होगी? मेरी इस टाइम है 67। 67 ईयर, हाँ, है भाई साहब की उम्र। हाँ। और सुबह उठ जाना है और आप देख रहे हैं कि वैसे मेरे को लग रहा है दांत भी आपके अपने नहीं है सर। ऐसा है कि मेरे दांत ये अपने नहीं है, पर इनमें भी मैंने 6,500 रुपये खर्च किए और इनको हो गए 8 साल और अभी भी शो। अच्छा, एक बार निकाल के दिखाएंगे आप दांत? निकालना तो जरा, हाँ, ये देखिए, ये देखिए दोनों साइड के दांत नहीं है भाई साहब के। और एनर्जी देखोगे तो किसी 18 साल के बच्चे से कम एनर्जी नहीं है। तो मतलब जो है अपनी जिंदगी को एक यंग इंसान से भी ज्यादा एनर्जेटिक और मस्ती से जीते हैं। तो आप मतलब जो है जैसे आपका शौक है डांस करने का, क्या गाना गाने का भी शौक है? पहले था, पर अब ऐसा है कि अब आवाज में कुछ वो हो गई, इसलिए आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आती, तो इसलिए मैंने अब गाने छोड़ दिए। पहले तो मैंने हनुमान का पाठ खेला, सुपनका का खेला, ताड़िका का खेला, दिल्ली में खेला, गुलाबी बाग में, और तुम्हारा किशनगंज में सरहरौला, और तुम्हारा ये देहरादून में, तरपाली साइड में, ग्वालखड़े में, फलदौड़ी में, कुलानी में। मेरे का डांस का बचपन ही से शौक था। और इस एरिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो भाई साहब से परिचित ना हो, इस पूरे एरिया में कम से कम 200-400 गांव में और इससे भी दूर दूर तक
कई लोग सोशल मीडिया से इनको जानते हैं और कुछ डायरेक्टली बाय फेस जानते हैं भाई साहब को। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ व्यूवर्स को आप दो लाइन सुना सकते हैं, रामलीला का हो या गढ़वाली सॉन्ग हो, कोई भी हो, वैसे हम आपका डांस भी देखेंगे, लेकिन दो लाइन कोई अच्छी सी गा सकते हैं आप? हाँ, हम सुना सकते हैं। को तू मैं श्यामलाई गौराई सहरी इरा। वाह ये। तो ये देखो बहुत ही अच्छा चौपाई, आजकल रामलीला बच्चे हमारे देख नहीं रहे और बच्चों को तो इन चीजों से बहुत दूर हो गए, तो ऐसी चीजें हमें अपने बच्चों को भी अनुसरण करानी चाहिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, और कुछ क्या कहना चाहता हूँ, ऐसा है कि ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये भी एक कोई भलाई में नाम लेता है, कोई बुराई में नाम लेता है। अगर हम कोई डांस कर रहे हैं या कोई गाना गा रहे हैं, अच्छा भजन गा रहे हैं, तो उसमें अगर हमारा नाम कोई भी ले ले तो हम ये सोचेंगे कि ये भी हमारे ही है, कि जो कि हमें मरने के बाद भी हमारे नाम लेंगे। तो बोलने का मतलब यही है, कहीं देखो कोई आदमी आपको इंजॉय कर रहा है और हंसा रहा है या गुदगुदी कर रहा है और उसको हम मजाक में लें, उनका मजाक उड़ाए, तो इस चीज ये चीज थोड़ा कटाक्ष लगती है। तो ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए, ये हमको सीखना चाहिए कि हम ऐसे लोगों से क्या सीख सकते हैं, तो अपनी लाइफ को हैप्पी कैसे रखना है वो हम इनसे सीख सकते हैं। उसमें ये एक बात हो रहा है, कोई अगर हमारी मजाक उड़ाता है उसको और मजाक में डालो तो, ताकि वो स्वयं उस बात को समझ करके खुद वो अपने आप लाइन पे आ जाए। तो यही एक मेन कलाकार की निशानी भी है, जो कि अपना मजाक बना के और लोगों को हंसाए। तो जो बड़े बड़े कलाकार हैं जैसे कपिल शर्मा वगैरह, वो इसी तरह करते हैं। भाई साहब को इतना बड़ा मंच नहीं मिल पाया, लेकिन इस एरिया में वो अपनी कला से बहुत ज्यादा निपुण है, चाहे वो किसी भी कार्य में हो। चाहे कैसी वीडियो लगी है जरूर मैसेज करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि भाई साहब तक इसका उत्तर पहुंच पाए। और अगर अच्छी लगी, कोई क्वेश्चन रह गया है पूछना, तो मैं वो क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप मुझे बताना कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझे। और दो जतक कष्ट मिल खाएं उतक तुम दुश्मन न खाएं, पर बैकसो मिला फरगान लगायो अरुगान क्या जा जतक मिला अकाल पड़ गरुआ में मिल खचर चला नानो पास तो मी जगत गिरी से गिरी सा बाबा सच्चा हमल सिमट भी सारे ठीक दारे घोड़ी चला मिल वे में मेरा पड़ गान लगायो हाथ जोड़ो तुम गुड़ खंदरो घास ली तमाखू की सोड़ा क्रोध काल की सड़की थबा बस बा को गोड़ा बा बस बाबा दगड़िया किले दारू बोला बाबस बाबा तमाकू की सोड़ा कुरखल की सड़की थबा बस बा को गोड़ा बाबस बाबा दगड़िया किले दारू बोला बाबस बाबा बकरे की
पीती बकरा की पीत इन दगड़िया कभी राजा कलयुग रीति बाबा से बाबा दगड़िया किले तो बोला तो भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।